लॉ में बिगनर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सो आज डे टू है. कल जैसे बुआ आ ही गई थी तो हमने सोचा था कि हमें ज़्यादा लंदन एक्सप्लोर नहीं करना, हमें आउट ऑफ लंदन जाना है. सो मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था कैंटरबरी जाने का, क्योंकि मौसम इतना अच्छा नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने पहले नहीं कवर किया. तो अभी ये राइट टाइम है, बट सुबह सुबह उठी ना बारिश होने लगते. यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है यार, समर्स है क्या ये? ऐसी होती है समर्स? तो हाँ, और ये देखो इतना सुंदर लगता है, मेरा फेवरेट व्यू है. नाइस. हम लोग गलत स्टेशन पे आ गए. अब हम बारिश में जा रहे हैं. ओह माय गॉड, एडवेंचर्स, वेलकम टू लंदन. हम लोग पहुंच गए कैंटरबरी. वन आवर में वो दो है. से बैठ के खिंचाओगे? ओह माय गॉड, इट्टा स्पैनिश. आप तो स्पैनिश लग रहे हो. ऐसे पहनो, हैट पहनो हो ना. वो बस लोगों को झूठ बोलते हो कि बेचारी हमारी बुआ आया ही नहीं उनका. मेरा आ गया. नहीं, इंडियन टाइम के हिसाब से बताती हूँ क्या टाइम हो रहा है. 7 बज रहे हैं. हाँ, इस टाइम तक तो आप खाना खा लेते हो, डिनर. अभी तक मैंने लंच नहीं किया. पापड़ बना दिया. नहीं है, पेशेंस नहीं है. जतिन भी नहीं है जो मुझे बना के दे. ओहो, इंडिपेंडेंट लाइफ. कैच कैफे. तो वापस आ गया क्योंकि बंद होने वाला है कैथेड्रल. हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने मिशन से. हाँ.
मैंने बहुत स्ट्रगल किया फ्लावर बेड्स ढूंढने का, जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फेमस है कैंटरबरी का। हमने बहुत कोशिश करी ढूंढने की बट हमें मिला नहीं, बट हमें फाइनली बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमने चाहा उसको तो हमें मिल ही गया। आइसक्रीम पूछने के लिए हाँ और उसने बताया भी नहीं। ओ यही है, यही है, फाइनली। अभी नहीं बचा। सो कैंटरबरी काफी ब्यूटीफुल लगा हमें एंड इट्स जस्ट 1 आवर अवे फ्रॉम लंडन। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत छोटा सा है तो आपका 2-3 आवर्स में तो कवर पूरा हो ही जाता है, तो हमने फटाफट कवर करके हम लोग निकल गए थे फॉर लंडन। द नेक्स्ट डे सो अभी आज मैंने कल आप क्या क्या घुमाया था वो बताओ। कल आपने मुझे कोविड गार्डन, कैंटरबरी रीजेंट रोड एंड एंड आज अभी मैंने टॉटनहम कोर्ट रोड एंड अभी हम जा रहे हैं बंसे खाने फिर से, क्योंकि बुआ को बहुत अच्छा लगा था बंसे कॉर्नडॉग खाने। इट इज मस्ट ट्राई है ना थिंग इन लंदन। सो आज मेरे साथ मेरी बुआ है एंड मेरी बुआ एक लॉयर है, तो फिर उन्होंने मैंने सजेस्ट किया उन्होंने कि हम एक पॉडकास्ट करते हैं जिससे जो बडिंग लॉयर्स हैं उनको थोड़ी नॉलेज बढ़े। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ उनके साथ, तो वो ऑनेस्टली उन आंसर्स देंगी, ऑनेस्ट ओपिनियंस देंगी, ब्लंट ओपिनियंस देंगी। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कि टेल मी अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट मतलब आपने इतने साल से क्या क्या अचीव किया है शॉर्ट में, और अभी आप करंटली क्या कर रहे हो। As you know that I'm a criminal lawyer and I taught for quite a long period, 15 years I taught in the law department, various institutions, but my primary focus is on litigation. I love going to court, like for lawyers jo hai wo drafting karte hain ya consultation karte hain, due diligence karte hain, but I am in active litigation. Okay. Great. So my second question is, how do you like London so far? London is beautiful. It has something for everyone. Yes. You know, for every age, and public transportation is so convenient, but weather is very bad. Unpredictable. Not bad, unpredictable. But it is bad. So, जो आजकल बड़ी लॉयर्स हैं वो ठीक है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लॉ में जॉब ढूंढने के लिए, तो मतलब आजकल ये सब लोग जो भी यंग लॉयर्स हैं वो बोल रहे हैं कि लॉ में बिगनर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। तो मेरा तो ये मानना है कि लॉ एंड एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर इनिशियल ईयर्स में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, यू नो, चाहे वो आप टीचिंग कर रहे हो तब भी, और या डॉक्टर हो या इवन कोई बिजनेस भी करते हो, तो स्टार्टअप में कितनी प्रॉब्लम आती है, हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता। तो ठीक है, यंगस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता होगा, मैं इससे रूल आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन पर ये भी है कि स्ट्रगलिंग एज ईयर्स में कुछ ईयर्स तक तो भूल जाओ कि लाइक मनी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट्स योर ग्रूमिंग एंड द वे यू कनेक्ट विद योर सीनियर एंड यू
earn their goodwill during that process. So that is more important. Learning is more important than, you know, earning. Yeah. So मेरा next question है कि जैसे बहुत लोग लॉ करने मास्टर्स करने अब्रॉड आते हैं, सो जो मास्टर्स की डिग्री होती है इन लॉ, इज इट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया या फिर क्या है, क्या रियलिटी है? As far as India is concerned, LLM is considered as academic part of the law, so it will not you know, help you in getting board or in your litigation. It is a requirement for your teaching assignment and all, but for law, practicing law, it's of no use. Okay. Not use, you can say not much use. तो मतलब जैसे बहुत लोगों को होता है कि मास्टर्स करी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है? नो नो, इट्स नॉट इन लॉ, इन लिटिगेशन हु यू नो इज इम्पोर्टेंट, व्हाट यू नो इज नॉट इम्पोर्टेंट. कनेक्शंस एंड नेटवर्किंग, स्ट्रगल है, नेटवर्किंग है. एंड फॉर लाइक सिंगल मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, रोड मैप उनको थोड़ा खुद कार्व आउट करना पड़ता है अपना, बट ऐसा नहीं है, मेहनत करते हो तो सब कुछ पॉसिबल. ओके, तो एक एडवाइस ऐसी बताओ जो आजकल के बड़े लॉयर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और जो आप चाहते हो कि इन्हें पता हो, ये चीज नॉलेज हो इस चीज की, एक एक ऐसी. इट्स अ विलिंगनेस, प्रिपेयर्डनेस ऑलवेज, यू नो, एंड शॉर्ट, देयर इज नो शॉर्टकट, जस्ट रिमेम्बर दिस. एंड फॉर इनिशियल इयर्स मनी, यू कीप द आइडिया ऑफ मनी असाइड, then jump into this litigation. And hard work of course is important, but what is important is consistency. Yeah, right. Then the sky is the limit. And I really love my career. एक क्वेश्चन और जो मतलब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि लॉयर्स की अगर आप अच्छे स्टेज पर पहुंच जाते हो तो कितना कितना कमा लेते हैं, हाईएस्ट टेक्स्ट, मतलब देयर इज नो लिमिट, एक्चुअली देयर इज नो लिमिट, कि मतलब बहुत ज्यादा कितना भी कमा लेते हैं, करोड़ों में, करोड़ आई कांट से, मतलब जो अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं वो लोग. हाँ, देर आर लॉयर्स हू टेक फॉर अपीयरेंस, देर आर लॉयर्स हू टेक केस वाइज, यू नो, सो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लॉयर्स, बट इफ यू आर डूइंग वेल देन एक्चुअली एज आई सेड अर्लियर, स्काई इज द लिमिट, वेरी नोबल प्रोफेशन एंड वेरी ल्यूक्रेटिव एज वेल. एंड आई थिंक इस जो प्रोफेशन की ब्यूटी है वो ये है कि अगर आप मनी ओरिएंटेड हैं, हार्डवर्किंग हैं, तो भी आप टॉप पे पहुंच सकते हैं, और अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, तब भी इसमें इतना स्कोप है. अच्छा. हाँ, बहुत स्कोप है सोशल वर्क. सो ये प्रोफेशन हर टाइप आपके जो एम्बिशंस होते हैं या आपकी डिजायर्स होती हैं उन सबको फुलफिल करने की पोटेंशियल इसमें है. सो एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास. मैं अपने दोस्तों से और प्रेशर से सुना है कि लिटिगेशन में फीमेल लॉयर्स कम होती है या फिर फीमेल लॉयर्स का इतना स्कोप नहीं होता इन लिटिगेशन या क्रिमिनल लॉ, तो आपका क्या पर्स है? मैं तो इसलिए उसके ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली दे सकती हूँ क्योंकि आई हैव ओवरकम दिस चैलेंज एंड आई थिंक यू आर द ओनली लिमिटेशन, नॉट द अदर पीपल. So women usually they don't prefer, they don't venture out, that's why they are less in number, but there is no, you know, discrimination or disadvantage. It's how you feel about yourself. First question you need to ask whether you are ready to, you know, take challenge. Then there is no, you know, going back, or there is no stopping. No.
तो एक और बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आजकल बहुत चल रहा है, जो एआई इतना ज्यादा आजकल हर चीज में यूज हो रहा है, एंड मैंने ये सुना है कि लॉयर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है एआई का. सो व्हाट इज योर ओपिनियन कि एआई कैन बी हेल्पफुल इन लीगल सर्विसेज और इट कैन एक्सप्लॉइट द लॉयर्स ओनली, लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो इतना ही फर्क है जितना घर के बने हुए खाने में और फास्ट फूड में है, स्ट्रीट फूड में है. अच्छा. तो मुझे तो, मैं बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से पढ़ने वाली हूँ, मैं तो जब तक बुक को जजमेंट को साइट नहीं करती, अपनी आंखों से नहीं देखती, आई जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रादर आई ट्रस्ट ऑन नेचुरल स्टूपिडिटी. Natural stupidity is better than artificial intelligence, because if you are stupid then there is a scope you can correct, and once you correct your mistake then you learn a lot. So ye bilkul churn karne wali hai, and but I don't know, I'm not that modern, so I don't recommend. I am very uncomfortable with this artificial intelligence. And main to youngsters ko bhi kehti hu nahi padho. और जैसे इनिशियली यंगस्टर्स को अगर केस लॉ हर केसेस में साइट करना, स्टैट्यूट नहीं पढ़ना, कोड नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं उनको अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ स्टैट्यूट पढ़ो, जजमेंट्स उसको सपोर्ट करनी.